जिला श्री फतेहगढ़ साहिब में गांव मुल्लेपुर में देर शाम एक 60 साल की बुजुर्ग महिला का कुछ अज्ञात व्यक्तियों ने कत्ल कर दिया। इस मामले में लूट के इरादे से की गई हत्या सामने आई है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और जांच शुरू कर दी। वहीं जांच का हवाला देते हुए पुलिस कैमरे के सामने कुछ भी कहने से इनकार करती हुई नजर आई। जॉब ते सीगा टाटा मोटर ते मैनू उत्थे कॉल आई करन दी चाचे ताए दा मुंडा भी माता जी नूं एवें करके भी कोई गल घोट के मार गया तां मैं उत्थों आया सीधा आके देखा माता जी पाए सीगे ते उन्हां दी डैथ हो चुकी। पंजाब सरकार की ओर से राज्य के हर उपमंडल में खोले गए आदर्श लड़कियों के स्कूलों में लड़कियों को खेल के साथ जोड़ने के लिए एथलीट मीट करवाई जा रही है। पाथड़ा उपमंडल के गांव चुनगरा में वार्षिक एथलीट मीट का उद्घाटन पाथड़ा नगर काउंसिल के प्रधान रंजीत कुमार अरोड़ा ने किया। स्कूल में पढ़ने वाली लड़कियों ने कहा कि जहां शिक्षा जरूरी है वहीं खेल भी बेहद जरूरी है, क्योंकि आज के बच्चों को जो नशे की भयानक बीमारी लग गई है उससे बचने के लिए युवा खेलों से जुड़ेंगे तभी उनका स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा, इसका हमारे जीवन पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा। इस वार्षिक एथलीट मीट में 450 लड़कियां भाग ले रही हैं जो अपने खेलों का प्रदर्शन करेंगी। ਜਨਨ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਲਾਈਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜ ਦਰਿਆ 'ਚ ਛੇਵਾਂ ਦਰਿਆ ਵੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਬਹਿਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖੇਡਾਂ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਣ, ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਸਿਰਫ ਘਰ ਹੀ ਉੱਜੜਦਾ ਉਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਉੱਜੜਦਾ, ਖੇਡਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਖੇਡ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੇਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਮੈਂ ਆ ਰੁਕੇਗੀ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਸੇ ਬ੍ਰੇਕ ਕੇ ਲਈ, ਖਬਰੋਂ ਕਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। आपका स्वागत है, रुक करते हैं खबरों की तरफ। पंजाब के कैबिनेट मिनिस्टर नवजोत सिंह सिद्धू अक्सर अपने बड़बोलेपन को लेकर विवादों में रहते हैं। नवजोत सिंह सिद्धू अमृतसर में वीरवार शाम क्रिसमस पर आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे। सिद्धू ने मसीह भाईचारे को खुश करने के लिए एक ऐसा बयान देकर फिर से सुर्खियों में आ गए हैं। सिद्धू ने कहा कि मसीह भाईचारे की तरफ किसी ने भी आंख उठाकर देखी तो वे उसकी आंखें निकाल देंगे। अक्सर जब बात राजनीति की होती है तो नेता कई बार अपनी जबान फिसल जाती है, नेताओं की जबान, और इस तरह की बातें सामने आ जाती हैं। लेकिन अगर इस मौके की बात करें, इस आयोजन की बात करें, तो यहाँ कुछ भी राजनीतिक नहीं था, लेकिन इसके बावजूद सिद्धू की जबान फिसल गई। इस मसीह भाईचारे नू के कैप्टन अमरिंदर सिंह दे रहंदे होए और उन्हां दी सरकार दे रहंदे होए इस अमन अमान नू भंग नहीं कीता कीता देन जाएगा, और तुहाडे वाल अगर किसे ने अख भी चकी ते अखां कढ़ के बाहर कर देंगे असीं। ए धन्नवाद। लुधियाना में गाड़ियों पर लगे बम्परों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ट्रैफिक पुलिस को ऑर्डर जारी किया है कि जिन गाड़ियों पर बम्पर लगे हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। बम्पर न हटाने को लेकर गाड़ी मालिकों को 2 साल की सजा और 15,000 रुपए जुर्माने का प्रावधान भी जारी किया है, लेकिन अभी तक पुलिस या फिर ट्रैफिक पुलिस की तरफ से कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। पुलिस की माने तो अगर किसी भी गाड़ी पर आगे बम्पर लगा होगा एक बार उन्हें चेतावनी देकर बम्पर उतार लेंगे, और अगर दोबारा उन्हें रोकने पर बम्पर पाया गया तो उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा ऑटो जोन पर भी एक टीम बनाकर कार्रवाई की जाएगी। अगर कोई भी ट्रैफिक से संबंधित कानून का उल्लंघन करता है तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो सरेआम अगर अभी की भी हम बात करें तो बम्पर जो है गाड़ियों पर लगे हुए हैं, हालांकि ऑर्डर आ चुके हैं कि बम्पर जिन गाड़ियों पर लगे हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, लेकिन इसके बावजूद ऐसा कुछ नहीं हो रहा, अभी भी गाड़ियों पर बम्पर लगे हुए हैं। अब देखना यह है कि ट्रैफिक पुलिस आखिरकार कब जागती है। हालांकि ट्रैफिक पुलिस की तरफ से कहा गया है कि पहले चेतावनी दी जाएगी उसके बाद सख्त कार्रवाई की जाएगी। पंजाब सरकार ने बठिंडा और रोपड़ थर्मल प्लांट बंद करने का फैसला लिया है, वहीं इस फैसले का विरोध भी शुरू हो चुका है। बठिंडा के लोगों ने भी इसका विरोध किया, वहीं थर्मल प्लांट के कर्मचारियों ने भी इसका विरोध किया। और अगर बात आम आदमी पार्टी की करें तो आम आदमी पार्टी भी इन कर्मचारियों के साथ में है, और अब
अकाली दल ने भी इनका साथ देने का फैसला कर लिया है। साफ तौर से सरकार के इस फैसले को गलत बताया जा रहा है। पंजाब सरकार की ओर से बिजली बोर्ड मैनेजमेंट का पुतला जलाकर प्रदर्शन किया गया। समाना बिजली बोर्ड दफ्तर के बाहर भी सभी कर्मचारियों ने सरकार के इस फैसले की निंदा की है। लगातार चारों तरफ सरकार के इस फैसले की निंदा हो रही है। महंगे रेट दे विच बिजली खरीद के बिजली बोर्ड का घाटा वधाने की कोशिश की जा रही है। अज थर्मल प्लांट बंद होने के नाल बिजली बोर्ड के नेकां जिहड़े वर्कर ने वह वेले होणगे, उन्हां दे उत्ते इन्हां दा असर होएगा। इसका अर्थ जिहड़ा पूरे पंजाब दे विच पएगा। अज जिहड़ी बिजली महंगी हो रही है, भावें किसानां नूं कहा जा रहा बिजली फ्री है, पर जिहड़ी बिजली है अदारियां नूं जिहड़ी दित्ती जा रही है 5 रुपए यूनिट की तर्ज के उत्ते, जिहड़ी घरां दी बिजली उहदे उत्ते रेट वधा के ਇਹ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ। पंजाब सरकार के रोपड़ थर्मल प्लांट को बंद करने के फैसले के बाद थर्मल प्लांट के कर्मचारी सड़कों पर उतर आए हैं। रोपड़ थर्मल प्लांट के बाहर कच्चे और पक्के थर्मल कर्मचारियों ने पंजाब सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और पंजाब सरकार का पुतला भी फूंका। कर्मचारियों ने सूबा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और पंजाब सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर ये फैसला वापस नहीं लिया गया तो सरकार के खिलाफ संघर्ष को और तेज किया जाएगा और किसी भी हालत में थर्मल प्लांट को बंद नहीं होने दिया जाएगा। ਜਿਹੜੇ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਤੇ 2 ਯੂਨਿਟ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਆ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੇ ਵਜੋਂ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਇਹ ਦੂਜਾ ਦਿਨ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਜਾ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕਿਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਭਰਮ ਭਲੇਖੇ ਪਾ ਕੇ ਗਲਤ ਬਿਆਨੀ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਹ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਬਣਦੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬਾਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੀ ਪੈਣੀ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਕੇ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਆ ਔਰ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬਠਿੰਡੇ लुधियाना के सुभाष नगर के ग्रीनलैंड स्कूल में 6 साल की बच्चियों के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। बच्चियों के परिजनों ने स्कूल के स्पोर्ट्स टीचर पर आरोप लगाते हुए कहा कि 2 छात्राओं के साथ टीचर ने अश्लील हरकत की है और ये मामला कोई नया नहीं है। इस तरह की घटनाएं पहले भी हो चुकी हैं। मामले में कई बार स्कूल प्रबंधन को शिकायत की जा चुकी है लेकिन स्कूल की तरफ से टीचर के खिलाफ कोई भी एक्शन अभी तक नहीं लिया गया। वहीं पुलिस ने परिजनों की शिकायत पर टीचर के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और आश्वासन दिया है कि अगर टीचर दोषी साबित होता है तो टीचर के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। ने सानू यही गल कही भी असीं उन्हूं बाहर कर दिता स्कूल तो अज इन्हां नूं असीं मैडम नाल गल करदे ज्योति बजारा जी नाल मैं उन्हां नूं कॉल कीती आ ते कॉल करन तो बाद जदों उन्हां ने असीं कहा भी MD सानू कॉल करो, उन्हें MD सानू कॉल कीती तां फिर MD सर आए ते उस तो बाद उन्हां ने कहा भी उन्हां नूं बुला लिया सीगा, पता नहीं बुलाया जां आया होया सी इत्थे पता नहीं किदां सी, ते इन्हां ने मुड़ के जी सानू इन्हां ने कोई कार्रवाई करन होण दित्ती नहीं। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जनता टीवी पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।